प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। तो आज मैं एक बहुत ही खास स्पेशल ये आपके लिए मैसेज है और मेरा विश्वास है कि जितने इस मैसेज को सुनेंगे परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आप थंबनेल पर आपने देखा कि शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से था या शैतान की ओर से था, इस वचन को अंत तक सुने क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर ने अपने वचन का ये भेद या रेवलेशन मुझ पर प्रकट की है, जितने भी लोग दुखों में, परेशानियों में हैं, हालातों में हैं, या दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार के हालात में, जब इस वचन को आप समझोगे और उस प्रार्थना को जो मैंने लास्ट पर की है, जब उसे विश्वास से आप रिसीव करोगे, तो मेरा विश्वास है निश्चय प्रभु आपको हरेक रोग से, हरेक प्रॉब्लम से, हरेक बोझ से आपको छुटकारा देगा और आपकी हरेक जरूरत को परमेश्वर स्वर्ग से पूरा करेगा। आमीन। तो ये एक बहुत ही बड़ा सच है। तो आज हम इस टॉपिक को, इस विषय को समझेंगे कि क्या वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से था या शैतान की ओर से था। तो सबसे पहले हम एक वचन को देखते हैं, शमूएल की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, तो सॉरी 14 नहीं 16 है। तो 16:14 में लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वह किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तक वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा। तो ऐसा हुआ कि हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए कि जब जब तुझ पर दुष्ट आत्मा वो आए तो वो बजाए और तू अच्छा हो जाए। तो इसका कारण क्या है कि शाऊल के ऊपर ये दुष्ट आत्मा आने लगा? तो ये इसका कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने तो शाऊल को अपने काम के लिए उसका अभिषेक किया, फिर क्यों लिखा कि ये परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगा? अगर हम 15:1 पढ़ें तो 1 से लेकर 3 तक है। यहां पे परमेश्वर ने शाऊल को शमूएल के द्वारा ये एक आज्ञा दी थी कि अमालेकिए, तू जानता है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया, जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता दिखाई नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गायें, बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो यहां पे परमेश्वर ने अपने दास शमूएल के द्वारा एक आज्ञा दी कि अमालेकियों को क्या उनका दूध पीता बच्चा का, स्त्री, गायें, बैल, भेड़, बकरी, बूढ़ा, क्या सबको बिना कोमलता दिखाए सबका नष्ट कर। पर यहां पे परमेश्वर ने अपने दास शमूएल के द्वारा एक आज्ञा दी, जो शाऊल ने उस आज्ञा को तोड़ा क्योंकि उसने अच्छी अच्छी कुछ भेड़, ऐसे बकरियां, ऐसे बचाकर वो ले आया। तो परमेश्वर ने कहा था कि बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट कर, पर शाऊल ने ऐसे नहीं किया क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा। तो ये एक बहुत ही बड़ी भेद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो पुराना नियम जो लिखा गया है,
तो यहां पे पूरे पुराने नियम में परमेश्वर ने शतान को शो नहीं किया, ज्यादा नहीं किया। आप पूरा जब पुराना नियम पढ़ते हो तो शतान का बहुत कम नाम आता है। हर बात ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी ऊपर लेकर की। तो पुराना नियम में ऐसे लिखा है कि शो नहीं किया शतान को, परमेश्वर ने शो नहीं किया पुराने नियम में ज्यादातर। तो इसलिए शतान को परमेश्वर ने शो नहीं किया, क्योंकि इजरायली जिनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला और इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, फिर भी वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना कर सके। जब वो लाल समुंदर के किनारे थे, तो जब फिरौन उनके पीछे आ रहा था, तो वो भूल गए कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी ताकतवर है, जो इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेके आया, वो अभी भी बचाएगा। तो वो सारे डर रहे थे। इसी कारण आगे जाकर परमेश्वर ने उनका मन देखा कि इनके अंदर का डर है, क्योंकि फिरौन एक राजा, एक मनुष्य है। तो शैतान तो और भी उनके मन में एक डर पैदा करेगा ना, और ज्यादा उनके अंदर आ जाएगी वो चीज है। तो इसलिए पुराने नियम में इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को शो नहीं किया, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर शैतान का जो भय, डर है, वो ज्यादा समा जाए। इसलिए बहुत सी बातें बाइबल में ऐसे लिखी गई हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर बात की है। तो मैं आपको और भी इस पर वीडियो बनाऊंगा, कहाँ कहाँ पर ये बात ऐसे लिखी गई जिसको परमेश्वर ने अपने ऊपर, शैतान की बात को अपने ऊपर लेकर किया है। तो ये यही बात थी कि उनके अंदर शैतान का जो भय, डर ना समाई। इस कारण ही पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सी बातें ऐसे अपने ऊपर लेकर की है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि इसका कारण क्या है, कि परमेश्वर ने ऐसे वचन अपना क्यों दिया। मैं आज आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम जैसे आफिसियों 2 की 2 पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ते हैं, आफिसियों 2 की 2। तो वहां पे क्या लिखा है, इस बात को हम जानेंगे। तो वहां पे ऐसे लिखा, ये जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और काश के अधिकार के हाकम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो यहां पे क्लियर है, बोलो क्या है, यहां पे क्लियर है कि पहले तुम भी उस संसार की रीति पर और उस काश के अधिकार के हकम अर्थात उस आत्मा के अनुसार थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। बोलो क्या है, कौन सी आत्मा? वो ही दुष्ट आत्मा जो शाउल को, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो यहां पे ये बात क्लियर है कि क्योंकि लिखा आज्ञा ना मानने वालों में अब भी वो दुष्ट आत्मा कार्य करता है, क्योंकि शाऊल ने भी किसकी आज्ञा को तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को कहा बिना कोमलता दिखाए अमालेकियों का क्या दूध पीता बच्चा स्त्री, क्या बूढ़ा, क्या पुरुष, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, सबको बिना कोमलता दिखाई नष्ट कर। पर शाऊल ने ऐसा नहीं किया, उसने आज्ञा को तोड़ा। और इसीलिए यहां पे एफिसियों 2 की 2 में लिखा आज्ञा ना मानने वालों में वो अब भी वो कार्य करता है, कौन? शतान। तो वहां पे ऐसा लिखने का कारण यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि पुराने नियम में परमेश्वर ने शतान को शो नहीं किया, जो कि नए नियम में किया है। अगर हम सेकंड क्रंथियो 6 की 15 पढ़ते, तो वहां पे लिखा मसीह के साथ बलियाल का क्या लगाव, मसीह के साथ बलियाल बलियाल का
लगाव है, उसका क्या साथ जहां लगाव है मसीह के साथ। बलियाल का मतलब उस दुष्ट आत्मा का तो कोई नहीं, बोलो क्या। तो ये बात क्लियर करता है ये वचन कि मसीह के साथ बलियाल का कोई भी लगाव नहीं है। अगर हम मत्ती 12 में जाएं तो वहां पे भी ऐसे लिखा कि हाँ, मत्ती 12 में उसकी 22 में लिखा, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसे अच्छा किया, उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर जहां घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, और उसका राज्य कैसे बना रहेगा। तो यहां पे भी कुछ, जब यीशु मसीह ने एक जिसमें अंधा गूंगे, अंधे और गूंगे जिसमें दुष्ट आत्मा थी जिसको यीशु मसीह ने निकाला, लिखा वो देखने और बोलने लगा। तब कुछ लोग हैरान हुए कि ये तो दाऊद की संतान है। फिर फरीसियों ने कहा, ये बाल जबूल की सहायता के बिना ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। फिर यीशु मसीह ने कहा, उसके मन की बात को जानकर कहा कि जिस राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती वो बना रहेगा। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो उसका विरोधी हो गया। क्या हो गया? उसका विरोधी हो गया। तो यहां पे ये भी ये क्लियर है, क्योंकि दुष्ट आत्मा का परमेश्वर के साथ कोई भी लगाव नहीं है। लिखा मसीह के साथ बलियाल का क्या लगाव है। तो ये क्लियर है क्योंकि परमेश्वर के साथ दुष्ट आत्मा को कोई भी मेल नहीं है। पर वहां पे इस बात को लिखने का यही कारण है, क्योंकि पुराने नियम में जो बात लिखी गई है, परमेश्वर ने ये एक रेवलेशन है आत्मा का, ये बुद्धि की बात नहीं, मैं सच में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको वचनों से क्लियर कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में शैतान को शो नहीं किया, तो अभी अपने वचनों में देखा कि सच में परमेश्वर का उस दुष्ट आत्मा के साथ बलियाल के साथ कोई भी लगाव नहीं है। पर मैं आपको बात बताता हूं कि जब भी हम जब वचन पढ़ते हैं, तो कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक ही पद में वचन क्लियर हो जाता है। जैसे यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं तो वो वहीं पे वचन क्लियर हो जाता है। कई बार हमें पूरा अध्याय पूरा उसका पैरा पढ़ना पड़ता है। कई बार हम उस वचन को क्लियर करने के लिए हमें आगे पीछे देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया है कि वो दुष्ट आत्मा जो शाउल को घबराने लगा, क्या वो परमेश्वर की ओर से था या शैतान की ओर से था? तो सच में वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान की ओर से था। क्योंकि लिखा, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में, अफिसियो 2:2 में लिखा, अब भी वो कार्य करता है। क्योंकि शाउल ने भी किसकी आज्ञा को तोड़ा? परमेश्वर ने कहा, बिना कोमलता दिखाए अमालेकियों का वो दूध पीता बच्चा, स्त्री, गाय, बैल, बूढ़ा क्या, ऊंट क्या, गधा, सबको नष्ट कर। पर शाउल ने ऐसे नहीं किया। जब आज्ञा तोड़ते हैं, जब वचन ब्रेक होता है, टूटता है, तो शैतान एंट्री करता है। बोले क्या करता है? शैतान एंट्री करता है। अगर शाउल ऐसा ना करता तो वो कितना बड़ा राजा था। बोलो क्या है? कैसे परमेश्वर पहले उसके द्वारा जीत दे रहा था, पर उसकी एक आज्ञा तोड़ने से उसका राज्य खत्म हो गया। आज भी मसीह लोग जब परमेश्वर के वचन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो शैतान को एंट्री देते हैं। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा
बोलो क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर आज्ञाओं का परमेश्वर, नियमों का परमेश्वर है, और जब हम आज्ञा को तोड़ेंगे, बाड़ा तोड़ेंगे, तो फंसेंगे किसकी युक्ति में? बोलो क्या है? किसकी युक्ति में फंसेंगे? कौन हमें फंसाएगा? तो इसलिए इसलिए परमेश्वर ने जब हम पहला यूहन्ना 2:2-3-4 पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ऐसे लिखा, जो कहता मैं सत्य को जान गया हूं, आंखों को नहीं मानता, वो झूठा है। तो इसलिए हमने किसकी आंखों को मानना है? क्योंकि जब नहीं मानते, तो वहां पे एफिसियों 2:10 में लिखा, 2:2 में लिखा कि आज्ञा ना मानने वालों में शैतान अब भी कार्य कर रहा है, चाहे अनुग्रह है चाहे कृपा होगी है। जैसे लिखा, हमें पापों से अब माफी, क्योंकि जब शाऊल का अभिषेक हुआ तो तब अनुग्रह नहीं था, कृपा नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुआ? तब यीशु मसीह का क्रूसीफाइव नहीं हुआ। जो आस परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, कृपा की है, तब ये कृपा अनुग्रह नहीं हुआ था, जो आज परमेश्वर ने किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी भेद की बात है। इसीलिए जब आज्ञा को तोड़ेंगे, बाड़ा तोड़ेंगे, तो कौन एंट्री करेगा? शैतान एंट्री करेगा, है ना? तो अभी तो अनुग्रह कृपा हो गई ना, पापों से माफी मिल गई है। हाँ, शैतान का जो अधिकार है हमारे ऊपर, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सूली पे लिखा, कुलसियों 2:13-14 में अपने पुत्र को सूली पे, किल्लों पे जड़कर परमेश्वर ने जो विधियों में शैतान ने लेख लिख दिया था, मिटा डाला है, खत्म कर दिया है। तो हमारे लिए नहीं है, पर आस भी, अनुग्रह में भी अगर हम आज्ञा को तोड़ेंगे तो लिखा वो आएगा। लिखा आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो शाऊल ने आज्ञा को तोड़ा, इसलिए वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान की ही ओर से आया। तो मैंने आपको उन वचनों से क्लियर किया है। ओके, तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस शिक्षा के द्वारा आपको बरकत दे, और आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें, आप परमेश्वर का भय रखें, डर रखें, कोई पाप ना करें, क्योंकि हम तो अनुग्रह में चुने गए हैं, हम पर कृपा हुई है। जैसे पहला पत्रस 2:9 में लिखा, तुम चुना हुआ वंश, राज, पददारी, जाजकों का समाज, एक परमेश्वर की निस प्रजा। तो हमारे ऊपर तो कृपा हुई है, पर आस भी जब हम आज्ञा को तोड़ेंगे तो लिखा वो एंट्री करेगा। बोले क्या करेगा? एंट्री शैतान करेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे से ना समझने के कारण आस भी वो दुष्ट की युक्तियों में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है और हमें करना क्या है। तो इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूं, आपको ये सलाह देता हूं कि आज तो कृपा हो गई है, आपके पाप माफ हो चुके हैं, शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने कहा शत्रु की सारी सेना पर तुझे अधिकार दिया है। पर इस बात को समझना है आपने, अपने परमेश्वर की हर नियम में, आज्ञा में रहना है, उसके वचन के साथ जीना है, जो वचन कहता है हमने वैसा चलना है। जब चलोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा, पर जब बाड़ा तोड़ोगे, आज्ञा को तोड़ेगे, तो शैतान अब भी एंट्री करता है। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जैसे हमें पापों से माफी मिल गई है, बोलो क्या? पापों से। पर मैं आपको बताता हूं कि पाप हमारे ब्लड के अंदर है, आत्मिक रूप में माफी मिल गई है। जब भी आप शरीर की कोई चीज, शैतान का कोई भी वचन पूरा करोगे तो शैतान एंट्री मारेगा। शाऊल ने एक गलती की, एक ही के द्वारा उसका पूरा राज्य खत्म हो गया। तो इसलिए ध्यान से चलना, परमेश्वर की बात को अच्छे से समझ कर चलना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि नाश हो, उसकी चाहत है सब बचाए जाए और सत्य को भली बातें जाने। और मेरा विश्वास है जो आज अपने इस वचन के द्वारा जो इन बातों को सीखा है, आपको परमेश्वर बरकत देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। और हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं।
इस प्रार्थना के जरिए आपके घरों में आपको छुएगा और जो कुछ आपने वचन में सीखा इसमें चलना और विश्वास करना आप छुड़ाए जाओगे, हर एक रोग से चंगे हो जाओगे। ओके थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूँ खुदा, जितने लोगों ने इस वचन को सुना मेरे प्रभु ये उसको समझकर तेरी आख्याओं में रहें और वो जीवन पाए जो खुदा तू लेकर आया है। यूहन्ना 10:10 में जो लिखा यस खुदा जितने बीमार हैं परेशान हैं दुखी हैं दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए जब किसी भी प्रकार का रोग है उनकी बॉडी से खुदावंद मैं तेरे जीवित नाम से तेरा दास होने के नाते मैं आख्या करता हूं यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ इसी क्षण सारी माद की कमजोरी जो भी इनकी बॉडी में हालात है चाहे वो बीपी शुगर किसी भी रसौली पथरियां गिरटियां किसी भी प्रकार की दर्द है माइग्रेन रीढ़ की हड्डी के जो रोकी है कंधों के रोकी है पेट की दर्द है बेल्टें लगी हैं उनका हार्ट की प्रॉब्लम है स्टोमच पेट की बीमारियों से परेशान है यस इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो यस खुदा हड्डियों के रोग चाहे घुटनों के रोग चाहे हर तरह की दुर्बलता कमजोरी इनके शरीरों से हड्डियों से जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित और पवित्र नाम से मैं आख्या करता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लड के इन्फेक्शन ब्लड के जितने रोग हैं खुदावंद तेरे जीवित नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए हर तरह की दुष्ट आत्मा इनके शरीरों को छोड़े और चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदावन तेरे जीवित नाम से वो हर अंधकार की आत्माएं इनकी बॉडी से निकल जाए हर व्यभिचार की जादू की टूने की हर प्रकार की जो आत्माएं इनकी बॉडी से निकले यीशु मसीह तेरे नाम से मैं आज्ञा करता हूं रिसीव करो और चंगे हो जाओ राइट नाउ शूट जाओ दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से जो रात के समय जिन बहनों के ऊपर भाइयों के ऊपर वो शैतान की आत्मा अटैच करती है रॉन्ग रिलेशन बनाती है इन द नेम ऑफ जीसस वो सारी शैतानी आत्माएं आपके शरीरों से निकले और जाए इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ इसी क्षण मैं आख्या करता हूं आजाद हो जाओ हील हो जाओ सब रोगों से चंगे हो जाओ हर सौली पथरी गिल्टी आपकी बॉडी को छोड़े और निकले और आप चंगे हो जाएं आप आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं यस खुदा की दुनामस पावर्स को मैं रिलीज करता हूं आपके शरीरों से टच इन द नेम ऑफ जीसस फ्री इन द नेम ऑफ जीसस तमाम आपके बंद रास्ते खुल जाएं तमाम आपके बिजनेस जो शैतान ने ब्लॉक किए आज खुदा के डोनामस पावर से आपके रास्ते खुले जो भी आप चाहते हो जैसी आशीष चाहते हो आप पाओ यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में रिसीव करो और प्राप्त करो आपके हर प्रकार के बंधन टूट जाए और तमाम रास्ते खुल जाए हर कर्ज की आत्मा गरीबी का आत्मा बोझ का डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़े और आप आजाद हो यस खुदावंद यस प्रभु यस खुदा मैं आजाद घोषित करता हूं इन्हें तेरे जीवित नाम से मैं आजाद घोषित करता हूं खुदावन मैं शास करता हूं परमेश्वर मैं शास करता हूं खुदावन जितने लोगों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया मेरे खुदावन तूने शो चुका है यस खुदा अपने वचनों के द्वारा आज अपनी पूर्ण सच्चाई के द्वारा परमेश्वर तू शो चुका है यस इन द नेम ऑफ जीसस खुदा मैं शास करता हूं यस रिसीव करो आप आजाद यीशु मसीह के नाम से आप हर प्रॉब्लम से समस्या से दुष्ट आत्मा से आप आजाद हो द माइटी नेम ऑफ जीसस यस यस ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन हालेलुया तो के गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको बहुत बरकत I mean, okay.